हेलो व्यूअर्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां है ढेर सारा नॉलेज, ढेर सारी पॉजिटिविटी एंड ऑफ कोर्स अवेयरनेस। जी हां, इस शो का नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी। वेल दोस्तों, अस्थमा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। क्या इस बीमारी का होम्योपैथी में कोई इलाज मुमकिन है? क्या एक अस्थमा फ्री जिंदगी, सेहत भरी, राहत भरी जिंदगी होम्योपैथी द्वारा मिल सकती है? वेल, इन सारे सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट के पास है। ही इज नन अदर देन क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर, डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने अपने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर सहित कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन देना। So, दोस्तों, आज हमारे बीच में खुद डॉक्टर अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू श्रेयल जी। वेल दोस्तों, आज खुद डॉक्टर अनवर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अगर अस्थमा से जुड़ा या किसी भी शरीर के प्रॉब्लम से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप तुरंत यहाँ पर कॉल करके वो सवाल का जवाब पा सकते हैं। इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन्स पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, वक्त जाया मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। डॉक्टर अनवर साहब, अस्थमा वाकई में बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अस्थमा क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या है? जी सैनी जी, आपने देखा होगा रास्ते पर जाते जाते लोग जो है बाइक के ऊपर रहते हैं जी, मास्क पहने रहते हैं जी, या लेडीज जो होती है अपना दुपट्टा पूरा बांध कर रहते कवर कर लेते हैं, मुंह कवर करके रहती है जी। क्यों? क्योंकि वो जो सांस जो लेते हैं उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स होते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होता है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होता है, हमारा माहौल इतना ख़राब हो गया है कि इतने पोल्यूटेंट्स हैं कि वो जब जाते हैं अंदर तो हमें बॉडी में रिएक्शन होती है। अस्थमा वालों को जो रिएक्शन जो आता है ये एटमॉस्फेयर का जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हम जिसे कहते हैं जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उससे उनको सांस होती है, दमाम जिसे कहते हैं वो अस्थमा होता है। चलने में सांस होती है या कुछ ऐसी कुछ चीज़ गई, डस्ट गया, स्मोक गया तो सांस होती है। खांसी, सांस और वीज जो सीटी बचती है, ये तीन मुख्य लक्षण है अस्थमा के। और ये जो है दो वजह से होता है, इंट्रेंसिक यानी जेनेटिक जो मेकअप होता है उसका प्रीडिस्पोजिशन होता है, पोन प्रोन होता है कि भाई उसको सांस की शिकायत हो, और जब उसको एक माहौल ऐसा मिलता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर जहाँ पे इरिटेंट्स का, तब उसको सांस ज़्यादा बढ़ती है और अस्थमा में तब्दील होती है। वेल डॉक्टर अनवर साहब, इसी के साथ में आज पहले कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सारे सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आज का पहला कॉल मैं लेना चाहूँगा। हेलो। हेलो, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम प्रिया है और मैं पुणे से बात कर रही हूँ। प्रिया जी, अभी अगला आवाज़ आप सुनेगी डॉक्टर अनवर साहब का, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रिया जी, मुझे लास्ट दो साल से अस्थमा का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। ये प्रॉब्लम मेरा डस्ट से, मतलब कोई भी क्लीनिंग हो वो करने से, या बारिश के मौसम में मुझे इसका बहुत प्रॉब्लम होता है। जब तक ये इनहेलर है वो उतना ही टेम्पररी रिलीफ होता है, पर एवरी टाइम ये सीजन में मेरा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ ही जाता है। ये क्लाइमेट में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब मेरे को स्नीजिंग चालू होते, छींके चालू होते, कंटिन्यूसली छींके चालू होती है, फिर नाक से पानी जैसा निकलता है, फिर ये इनिशियली होता है मुझे, उसके बाद में मुझे खांसी चालू होती है और धीरे धीरे वो दो से तीन दिन में ब्रेथलेसनेस में, मतलब मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, फिर वो टाइम पे मुझे कंपलसरी इनहेलर यूज़ ही करना पड़ता है, मतलब मैं विदाउट इनहेलर नहीं रह सकती वो टाइम। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मैं होम्योपैथी में इसका कुछ इलाज है, या फिर मेरे को कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।
इससे। देखिए प्रिया जी, आपका जो मसला जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातों से, वो है एलर्जिक अस्थमा का, जिसे हम हमारे होम्योपैथी की भाषा में हम कहते हैं सोरिक अस्थमा, जो शुरू होता है नाक से पानी छींके, उसके बाद में गोज डाउन टू द थ्रोट, उसके बाद में फेफड़ों में जाके सांस की शिकायत पैदा करता है। और ये जो आमतौर पे जो शुरू होता है, इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, और ये बारिश का मौसम एक मेजर ट्रिगर है आपके लिए। ये जो डैम वेट जो वेदर है, ये आपके लिए मेजर ट्रिगर है। आपको इसका एहतियात करना पड़ेगा, अपने आप को सेव करना पड़ेगा। उसके बावजूद में भी आपको हो सकता है, जब तक कि आप सही तौर पर होम्योपैथिक इलाज नहीं कराएंगे, ये आपका टेंडेंसी होगा। अभी आप क्या करते हैं, आपको अस्थमा हो गया, सांस हो गई, आपने इनहेलर लिया बारिश तक का, उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं जी। ये पीरियड जो जाता है बारिश के बाद का, ये आपको इम्पोर्टेंट पीरियड है, जहाँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आप कराए हैं, तो जो बाद की टेंडेंसी आगे वाले जो बारिश में आने की, आप रोक सकते हैं जी। दो तरीके से इलाज होता है, अभी एक्यूट जो आपका बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, उसमें दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है। उसके बाद में क्रॉनिक कंडीशन के अंदर जो है, आपका पूरी प्रोफाइलिंग करके हिस्ट्री के बाद में क्या एंटी सोरे की दवाई जो देनी है आपको, वो हमको देखना पड़ेगा, कौन सा माइजम डोमिनेंट है, सोरा है या साइकोटिक है। अभी जो हमें लगता है वो जो सोरो साइकोटिक केस है, लेकिन सोरा डोमिनेंट है आपके अंदर, तो हमको उसके हिसाब से समझने के बाद में इलाज करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ अर्से तक का इलाज किया, कुछ महीनों तक का, हो सकता है कि ऊपर नीचे साल भर के आसपास में, तो हो सकता है कि आपका ये टेंडेंसी जो है बार बार होने की, वो ख़त्म हो सकती है। जब तक कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो आपका जर से नहीं जा सकता है। कुछ दवाइयाँ टेम्प्रेरी काम कर सकती है, लेकिन वो अस्थमा को निकाल नहीं सकती। तो ये क्लियर कट डिमार्केशन समझना पड़ेगा आपको। आप हमारे क्लिनिक से कॉन्टैक्ट कीजिए, और हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ से हमारी टीम से बात कीजिए, और वो जब गाइड जैसे बताएंगे आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको गाइड करेंगे, इलाज आप कराएंगे, तो आपका मुमकिन है कि पूरा अस्थमा जड़ों बुनियाद से ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत परेशान थी इससे, आपका गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल है, मैं डेफिनेटली कॉल करूँगी। थैंक यू सो मच प्रिया जी फॉर कॉलिंग अस। वेल दोस्तों, कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अगर कोई भी बीमारी का कोई छोटा सा सिम्टम भी अगर आपके शरीर में आ गया है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, भगवान ना करे। लेकिन अगर वो कॉज ठहरा आपके किसी बीमारी का, तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आने वाले फ्यूचर में। सो चलिए इस बारे में और बात नहीं करते हुए, किसी भी बीमारी के बारे में अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो, तो आप तुरंत डॉक्टर अनवर साहब से संपर्क कर सकते हैं। अगर इस शो के दौरान अगर आप कॉल करते हैं और नंबर बिजी आता है, तो शो के बाद भी आप डॉक्टर अनवर साहब या उनकी पूरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। वेल इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि अब हमने ये तो जान लिया कि अस्थमा क्या होता है और किस किस्म के होते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि जब एज हो जाती है, तो इम्यून सिस्टम कम होती है और फिर बीमारी घर कर जाती है शरीर में, बट इन दिनों तो देखा गया है कि अस्थमा बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाया गया है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आज के ज़माने में मेन कॉज एलर्जीज का बच्चों में अस्थमा का, या नॉट ओनली अस्थमा, बाकी जो नई नई बीमारियां जो बच्चों में आ रही है, जैसे ऑटिज़म, ADHD, ये सब आप जो देख रहे हैं आमतौर पे कॉमन है, अस्थमा तो एक हिस्सा हो गया। ये नई बीमारियां जो आ रही है, उसका अगर मेन वजह आप देखेंगे, तो ये इंटेंसिव इम्यूनाइजेशन ड्राइव है। हम लोग हमारे बच्चों को, हमारे इतना फियर साइकोसिस दे दिया गया हमारे को, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। चाइल्ड डिजीज जो हम बोलते हैं इन्फेक्शंस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये सब जो इस किस्म से होती है, अभी उससे बढ़कर BCG तो था, अभी और एक हर बार में हर लेवल के ऊपर भाई, अगर आपको हेपेटाइटिस है तो उसके लिए प्रिवेंशन, और लंग डिजीज के लिए प्रिवेंशन, दुनिया भर की इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। पहले कुछ लिमिटेड वैक्सीनेशन थी, उसके बावजूद में भी एलर्जीज का रोल तो बढ़ रहा था, लेकिन आजकल जो है मैसिव इम्यूनाइजेशन जो है, ये हमको लगता है कि हम हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट सोचती है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम बचा रहे हैं जो चाइल्डहुड इन्फेक्टेड डिजीज से, लेकिन उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं हमारी सोसाइटी को, हमने कभी ये नहीं सोचा। लेटेस्ट रिसर्च के अंदर बहुत रिसर्चेज ऐसी है कि मतलब वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, कि हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हम वैक्सीनेशन दें कि नहीं दें। सबको सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कितने फ़ायदा है कितना नुकसान है। एक हद तक का तो हम फ़ायदा हासिल करते हैं,
लेकिन क्या हम नुकसान पैदा कर रहे हैं इसके ऊपर हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि नहीं आपको लेना ही है। वेस्ट में, अमेरिका में और दीगर जगह पे मैसिव पब्लिक आउटरेज है वैक्सीनेशन के खिलाफ में। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। आपने कहा कि वैक्सीनेशन से ये कुछ हद तक मुमकिन है। बिल्कुल। तो मुझे ये पूछना है, बहुत सी स्टडीज हैं। मुझे ये पूछना था आपसे कि हर बच्चा वैक्सीनेशन लेता है तो हर बच्चे को तो अस्थमा नहीं होता है, तो फिर किसी को होता है किसी को नहीं होता है, मैं वैक्सीनेशन कैसे कसूरवार कह सकता है? एक होता है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है जी, आपकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एक होता है कि आपकी डायटेसिस होती है कि आप प्रोन हैं आप इस चीज़ के लिए, और जब मैं आपको वो एलर्जन दूंगा तो आपको ट्रिगर हो गया। यानी फॉर एग्जांपल आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, आपके इम्यून सिस्टम डाउन के अंदर मैंने आपको खौफ पैदा किया तो इट इज़ नोन बिकॉज ऑफ फियर द इम्यून सिस्टम गोज डाउन। और वो माहौल के अंदर अगर आपको मच्छर है और वो मच्छर काटता है आपको तो मुमकिन है डेंगू होगा, मुमकिन है मलेरिया होगा, सिंपल बात है। तो एक डिस्पोजिशन आपका ऑलरेडी है, एक मेकअप आपका है, इम्यून सिस्टम डाउन है और आपकी टेंडेंसी जेनेटिक टेंडेंसी है, हेरिडिटरी टेंडेंसी है, उसमें अगर आप देंगे तो फ्लेयर अप होना ही जी। इसलिए मैंने कहा कि आपको मुझे कंट्रोवर्सी ये, 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 ये बात हम बिल्कुल आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इसी के साथ अब समय हो चला एक और कॉलर का, तो देखते हैं कि आज के अगले कॉलर का क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अलमास है, मैं गाजियाबाद से हूँ। अलमास जी, अभी मैं आपकी बात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से, आप उन्हें अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, मुझे थोराइटिस का प्रॉब्लम है जी। तो मेरा होम्योपैथी तो ट्रीटमेंट चालू भी है जी, बट कोर्स पूरा ठीक नहीं हुआ है जी। जब तक ट्यूब लगाती हूँ या लोशन लगाती हूँ तब तक ठीक रहता है, मुझे क्या परहेज करना चाहिए आप बताएंगे मुझे? देखिए, सोरियासिस जो है ये आपको लोशन लगाने से क्रीम लगाने से जाएगा नहीं। ओके। ये खाली मॉइस्चराइजर है जी, ये आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा इचिंग में जी, या उसको गीला रखने में, क्योंकि सूखने में स्कैब्स ज़्यादा गिरते हैं, तो आपको ये स्कैब्स गिरने से रोकेगा, इचिंग थोड़ी ठीक ठाक करेगा। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलते रहता है अंदर, जो टी लिम्फोसाइट्स जो एक्टिव है जिससे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, ऑटोमेटिक जो चल रही है अंदर, वो बंद नहीं होगी। ओके। आपको सिर्फ इससे रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा खारिश में, खुजली में जी, और स्केलिंग में जी। तो उससे हमें क्या परहेज करना चाहिए सर? सिर्फ परहेज से भी नहीं होगा, परहेज आप जो करना जो चाहिए आपको, जो एलर्जी जो चीज़ आपके है आपको देखना पड़ेगा, क्या चीज़ से बढ़ता है क्या चीज़ से घटता है। ठंडी से बढ़ता है, ठंडी से बचना पड़ेगा आपको। मैंने ऐसा कहा जैसे बताया, सोरियासिस का जो ताल्लुक जो है ऑटोइम्यून बीमारी है, तो ऐसा माहौल जहाँ पे खुद आप जो है अपने लोगों से मतलब प्रॉब्लम आपका है, इशू चल रहा है, वो जाके परकुलेट होकर सिस्टम पे बॉडी पे जा रहा है, तो वो आपको मालूम करना पड़ेगा क्या है इशू, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ठंड से बचना पड़ेगा, ज़्यादा जो गर्म पानी का इस्तेमाल वो कम करना पड़ेगा, हॉट वाटर फर्मेंटेशन ल्यूकवार्म जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और स्ट्रेस से बचना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जी। सर, मैं ये बोल रही थी कि मुझे गाज़ियाबाद से कहीं ट्रीटमेंट के लिए मतलब आना पड़ेगा। जी जी, अगर गाज़ियाबाद में आप हैं, अगर आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका जो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं कि नहीं आ सकते हैं, अगर आने की पोजिशन में हैं तो आप एक बार ज़रूर आइए, हम पूरा आपका ब्रीफ लेंगे, पूरा प्रोफाइलिंग करेंगे, हम समझेंगे कि आप क्या प्रॉब्लम है आपकी, उसकी वजह क्या है, हम उसकी मैपिंग करने के बाद में आपको सजेशन देंगे, दवाई उसके हिसाब से देंगे, फिर आप भले हम पर फ़ोन से आप कांटेक्ट कीजिए, हम दवाई भिजवा सकते हैं आपको। अगर एक बार अगर आप आ जाएँ तो अच्छा, नहीं आ पाएंगे तो हम लोग वीडियो कॉलिंग के ज़रिए या फिर हमारे जो केस परफॉर्म आए उसके हिसाब से आप संपर्क कर डिटेल दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन बेस्ट विल बी इफ़ यू कम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। वेल दोस्तों, बात सरदर्द की हो या बात अस्थमा की या किसी और बीमारी की, बीमारी तो बीमारी है, दर्द लेके आती है, खुशकिस्मती नहीं। वेल इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी जड़ से, सुरक्षित तरीके से, और ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं होम्योपैथी में, और इसीलिए तो हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं।
अगर कोई भी समस्या आपके साथ भी है तो उसका इलाज मुमकिन है अगर आप बात करें डॉक्टर अनवर साहब से या उनकी टीम से। वेल, इसी के लिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत कॉल कीजिए और जानिए आपके सवालों का जवाब। इसी के साथ डॉक्टर अनवर साहब, अभी हमने बात की कि बच्चों में किस तरीके से आजकल अस्थमा हो रहा है, अब मैं पूछना चाहूँगी कि अलग अलग एज ग्रुप में लोग होते हैं जिन्हें अस्थमा होता है, तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्या अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, या हर एक इंसान, हर एक शख्स जिसे अस्थमा हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, एक ही इलाज होता है उसका होम्योपैथी में? होम्योपैथी का खासा ये है दूसरी साइंस से, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो या दूसरी और भी कोई भी साइंस हो जी, वो जो उसका खासा जो है, मेन क्रक्स इम्पोर्टेंस जो है वो है इंडिविजुअलाइजेशन। ना सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कि एज ग्रुप के अंदर अलग अलग इलाज है, बल्कि हर एक एज ग्रुप के अलग अलग पेशेंट का पर्सन अलग इलाज है, पर्सन टू पर्सन, एज टू एज नहीं है, एज टू एज खुद अलग है बात। अभी चिल्ड्रन का ग्रुप है तो चिल्ड्रन ग्रुप में भी एक बच्चा अलग होगा, दूसरा बच्चा अलग होगा, सबकी दवाइयाँ अलग अलग होगी प्रोफाइलिंग के ऊपर। इसी तरह से अगर बड़ा एज ग्रुप है तो उसके अंदर भी उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसका जो मायजम होगा, उसका जो लोड होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा, उसकी जो कोमोर्बिडिटीज़ है वो अलग होंगी। तो मायजम हमको जो समझना है तो हम बच्चों में भी उसी तरह समझेंगे और बड़ों में भी इसी तरह समझेंगे। हो सकता है कि बच्चों के अंदर जो है ट्रीटमेंट आसान इसलिए हो सकता है कि उनमें मायजम का लोड कम होता है, लेकिन बच्चों में जो ऐसा, बड़ों में जो है हो सकता है कि भाई उनका जो क्रॉनिक कंडीशन है, एक तो होता है कि भाई जो नेचुरल मायजम जो होते हैं सोरा से फिर साइकोसिस के अलावा में ड्रग मायजम हो जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम तक इलाज किया है। अब बच्चे ने तो सिर्फ वैक्सीनेशन लिया है, इसने तो बहुत सारी इलाज भी किया है, तो वो ड्रग का मायजम भी ऐड हो जाता है, तो वो डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट और भी हो जाता है, उसमें वक्त और लगता है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब कि वो नहीं हो सकता है। अस्थमा इज़ अ डिफ़िकल्ट डिजीज़ टू क्योर, नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू क्योर। हमको ये समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी में हर चीज़ के लिए उम्मीद है। आप सही होम्योपैथी दवाई लीजिए, सही होम्योपैथ को चुनिए और सही तौर पर सब्र के साथ में इलाज कीजिए, तो बहुत मुमकिन है कि ना सिर्फ अस्थमा बल्कि आपकी दीगर भी और भी बहुत सारी जटिल बीमारियां, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। वेल सेड डॉक्टर अनवर साहब, और इसी के साथ में मैं हमारे तमाम दर्शकों को एक सक्सेस स्टोरी आपके पेशेंट की दिखाना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, मैं अंधेरी में प्रैक्टिस करता हूँ। 2006 में मेरे डैडी को ब्रेन हेमरेज हुआ, तो जब वो मेरे डैडी अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, तो हम उनको है ना हॉस्पिटल में लेके गए, तो डॉक्टर ने देखा, बोले इनको तो अभी कुछ कर नहीं सकते, इनको है ना सीटी स्कैन करते हैं पहले। जब सीटी स्कैन करने लेके गए तो पहले उनको है ना कैथेटर पास किए, ये पेशाब की जगह के अंदर कैथेटर जैसे ही पास किए वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो गई। जब वो सीटी स्कैन करने के बाद लेकर आए तो मेडिसिन स्टार्ट किए, और उसमें ना 41 mm का ब्रेन हेमरेज था। डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर विनीत करने के, भाई इनका कुछ नहीं कर सकते, खाली दुआ के ऊपर है। तो मैंने डॉक्टर अनवर अमीर को मैंने फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन किया, अनवर भाई ऐसे ऐसी बात है, और मैंने उनको अपनी अब्बा की रिपोर्ट फैक्स किया, सीटी स्कैन की और पीएसए की रिपोर्ट। तो ये फ़ौरन मुरादाबाद आए, आने के बाद उन्होंने सिर्फ दो डोज मेरे को दिए, बोले इनको जो है ना रायल स्टोप के ज़रिए उनको खिला दो। अनवर भाई के दो डोज ने होम्योपैथी के इतना अजीब सा मतलब फ़ायदा दिया उनको, सुबह के टाइम, रात को मैंने डोज दिया, सुबह को उठ के बैठ गया, आँख खोली, उन्होंने थोड़ा नाश्ता भी किया, उठ के बैठ चलने लगे। कंटिन्यू अनवर भाई का इलाज 6-7 महीने चलता रहा, 2 साल तक कंटिन्यू चला। उनको जब पीएसए था वो भी लेवल में आ गया, ठीक हो गया, और जो 41 का हेमरेज था, 41 mm का हेमरेज था, वो 3 साल के अंदर 0 पे आ गया। मतलब डॉक्टर अनवर अमीर का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को दोबारा नई ज़िंदगी दी। वेल डॉक्टर अनवर साहब, जब ऐसे पेशेंट्स दिखते हैं जो इतने अच्छी से क्योर हो चुके हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी आती तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। वेल दोस्तों, इसी के साथ अगर आप डॉक्टर अनवर साहब या उनकी टीम से संपर्क करना चाहें, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहें, अपनी सेहत को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2300-4757, 022-2300-4757।
5757 और 9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। Well, with this, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय। चाहती हूँ आप सभी से इजाजत। दोबारा आपसे मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।